बिग बॉस की काफी चर्चा हो रही है, आप फॉलो कर पा रहे हैं? मैं बिल्कुल बिग बॉस, मैं कभी नहीं देखता बिग बॉस। अच्छा, जो चर्चित कपल है रुबीना अभिनव, उनसे काफी दोस्ती रही है, अगर उनके बारे में? जी, अभी भी दोस्त हैं, बहुत अच्छे, दे आर स्वीट गाइज, बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं हमारे, एंड दे आर अ वंडरफुल कपल। तो ऑल द बेस्ट उनको। मैं देखा नहीं मैंने शो, बट मुझे पता अच्छा ही कर रहे होंगे शायद, जितना इंस्टाग्राम पे कुछ देखने को मिल जाता है। आई होप वो आई थिंक अच्छा ही कर रहे हैं, एंड स्टे टुगेदर, एंड आई विश कि दोनों में से कोई एक जीते, एक ही जीतेगा मेरे ख्याल से, कोई ना कोई एक तो जीते कम से कम, घर पे कुछ ट्रॉफी तो लेके आए। शरद, आप, हम नहीं जानते, आपको पता है कि नहीं बात, रुबीना ने एक तलाक को लेकर बात कही है कुछ शो में, तो आपको, आपने उन करीबी दोस्त रहे उनके रिश्ते को देख? कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ, और बाकी ये मुझे तो ये भी पता कि कोई बात कही है। उन्होंने कही कि नवंबर तक वो तलाक लेने वाले थे, हाँ उनके रिश्ते में कुछ अनबन चल रही थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि बिग बॉस घर जाएंगे, एक दूसरे को वक्त देंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, ये वजह रही है बिग बॉस के घर में आने की। आपकी क्या कुछ रिएक्शन है इस पर? तो पहली बात तो, अब जब से पैंडेमिक शुरू हुआ तब से तो हम बहुत कम टच में होते हैं ना, आप किसी एक दूसरे घर नहीं जाते हैं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में कि वो क्या बोल रही है। जहाँ तक जिस तब समय तक मुझे खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको उनको देखकर कभी ऐसे लगा कि मतलब क्या बात? कभी नहीं, कभी नहीं। चलो कोई नहीं, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूवर्स से, फैन से क्या कुछ कहना चाहेंगे शरद? आप जितना प्यार देते हैं उतना देते रहिए, और कहीं उससे ज़्यादा भी शायद। कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में करते आया हूँ और भी करता रहूँ, और इतना प्रॉमिस है कि 2021 में आप वैसे ही कुछ किरदार देखेंगे, कुछ बड़ी कुछ छोटी कुछ वेब सीरीज में, तो देखते रहिए। और प्लीज़ अपने अपने व्यूज़ मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप पोस्ट करते रहिए, आप लोगों के जो रिप्लाइज़ होते हैं या जो कमेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उससे कहीं ना कहीं दिल को खुशी मिलती है, और कहीं गलती होती है तो उसको सुधारने की एक कहीं ना कहीं सीख मिलती है। तो प्लीज़ स्टे इन टच। थैंक यू सो मच शरद।